तो हम आ चुके हैं रोफीरो वाइस टाउन में। तो हमारे पीछे है बहुत बड़ा मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर रोफीरो को मार के ख़त्म करना चाहता है, लेकिन रोफीरो वहाँ पे कैसे लटक गया, वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ। ओ भाई, यहाँ पे हमने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। हे मोटा, चले अपनी बाइक दे दे, देखा नहीं यहाँ पे कितना बड़ा धमाका हुआ। ये तो हमें गोली चला रहा था भाई, अच्छा हुआ हम वहाँ से निकल गए। तो देखते जाओ वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं टिप्सन के पास, उसके बाद देखते जाओ यहाँ पे क्या होने वाला है। अभी तो हमारे पीछे पुलिस भी लग गई। और ये क्या, हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम गिरे, लेकिन लड़की तो गिरे ही ना। तू क्यों नहीं गिरी पे, ऐसे कैसे हो सकता है, तेरे को भी गिरना चाहिए, इसको भी हम गिराएंगे भाई, ये तो बहुत गलत बात है ना, हम गिर गए यार, ये नहीं गिरी। ओ भाई, ये क्या, इसके बाइक के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, पूरा भंगार बना दिया। तू कहाँ भाग के जाता है बे, तू काफ़ी ज़्यादा जल्दी में लगता है, ये का टकला तो बहुत बड़ा गुंडा निकला, ये गोली दिखा रहा है अपने को, भागो, यहाँ पे पुलिस भी आ गई। तो चलते हैं टिप्सन के पास, उसके बाद हमें टिप्सन हमें कुछ न्यू सीक्रेट ट्रिक बताएगा। तो देखते जाओ कैसा सीक्रेट ट्रिक होगा। ए टिप्सन, देख हमारे पीछे कितने सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं, तो हमें कोई ट्रिक बता। अरे छोटे, तुझे बहुत ज्यादा ड्रामा चाहिए जिससे कि तू बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे मोस्टर गुंडा को टपकाना होगा, उसके बाद तुझे बहुत सारा डायमंड मिलेगा, बहुत सारा ही डायमंड जिससे कि तू कुछ भी पार कर सकता है। क्या यहाँ पे एक न्यू मिशन आ चुका है जिससे कि हम मोस्टर गुंडा को टपकाएंगे, उसके बदले हमें बहुत सारा डायमंड मिलेगा। मतलब कि भाई, हमने यहाँ पे मोस्टर गुंडा का लोकेशन देख लिया है कि मोस्टर गुंडा हमें कहाँ पे मिलेगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, ये पुलिस वाले तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लगते हैं, ये तो हमारी पिटाई करना चाहते हैं, पीटेंगे साथ में जेल के अंदर बंद भी कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। तो चलो निकलते हैं मोस्टर गुंडा के पास, जिसको टपकाने के बाद हमें बहुत सारा डायमंड मिलेगा, डायमंड से हम कुछ भी बाय कर सकते हैं, तो डायमंड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। ये का बुढ़ा तो बच गया रे, बहुत ज़्यादा कुंफू कराटे जानता था क्या। ओ भाई, क्या जंप मारा है, लड़की भी बच गई। चलो एक दो को और टपका देते हैं, ताकि पुलिस वाले हमारे काफ़ी ज़्यादा पीछा करते रहें, उसके बाद तो पुलिस वाले को भगा भगा के कंगाल बना देंगे भाई। कोई बात ना, पुलिस वाले तो हमारे पीछे रहते ही रहते। ओ भाई, इसको ठोक डाला। बेटे, तेरे को पता नहीं तू यहाँ पे आके कितनी बड़ी गलती कर दिया। मेरा नाम है मास्टर गुंडा, देख मेरे पीछे कौन है, तुझे ये लटका के बहुत मारेगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, हाँ, बहुत मजा आएगा। अरे भाई, पीछे तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर था, मतलब कि भाई यही मॉन्स्टर हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा करने वाला है, हमें बिल्डिंग से टांग के बहुत मारेगा। क्या ये हमें मार पाएगा, या फिर ये मॉन्स्टर गुंडा हमें दौड़ा दौड़ा के मारेगा। आजा बेटे आजा, तेरा ही इंतजार है, तेरे को तो हम टांग के मारेंगे, तेरे को बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन इसको बहुत डेंजर तरीके से मारेंगे, इसने आज तक नहीं सोचा होगा कि इतना डेंजर तरीके से हमें कोई मार भी सकता है। तो चलो इसको मार के ख़त्म करते हैं, बेटे टपकने के लिए तैयार हो जा, ये मारा बम, ये काश के चेला चपाटी लोग आ गए बे, तू तो बहुत ज़्यादा डरपोक लगता है रे मोस्टर गुंडा, देख तूने चेला चपाटी बुला लिया, यहाँ पे तो हम अकेले हैं, ये कहीं तो चीटिंग करता है, बम भी फेंकता है हमारे ऊपर, उल्टा चेला चपाटी बुलाता है। चीटिंग नाम की कोई चीज ही ना होती है मेरे पास, मैं तो चीटिंग वीटिंग नहीं करता, सीधा मारता हूँ, मार दो एक गास को उठा उठा के पटकोरे, मेरे चेला चपाटी में तो टपक गया। तो यहाँ पे ये मॉन्स्टर गुंडा खत्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिंग डांग कर रहा था, हमने इसके सारे बहुत सारे पैसे लूट लिए, लेकिन हमें डायमंड तो नहीं मिला भाई। क्यों नहीं मिला डायमंड, हमें तो डायमंड चाहिए था, ये टिप्सन ने बोला था डायमंड मिलेगा, ये तो बहुत गलत बात है, हमारे साथ चीटिंग हुआ है, देखते जाओ लेकिन हमें डायमंड मिलेगा। क्या हमें बड़े वाले मॉन्स्टर को मारने के बाद डायमंड मिलेगा, तो देखते जाओ कैसे मिलता है। तो यहाँ पे हमने जाली तोड़ दी है, ये काका
कर रहा है बे, यहाँ पे ताली बजाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर कर लिया है मोस्टर कार, मतलब कि भाई हम इसमें बैठ के जाएंगे ट्यूशन के पास। उसके बाद हम पूछेंगे, हमें डायमंड तो नहीं मिला लेकिन तूने बोला था हमें डायमंड मिलेगा, ये तो हमारे साथ चीटिंग कर दिया। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे काफ़ी जल्दी पहुँच जाएंगे ट्यूशन के पास, तो चलो चलते हैं। ओ भाई, ये कार काफ़ी ज़्यादा ही स्लिप हो रही है। अरे बेटे, हम है पुलिस वाले, ऐसे कहा चलाएगा, किसी को ठोकेगा तो हम तेरा पीछा करके बहुत मारेंगे। बुढ़ा तो टपक गया रे, चिंता क्या कर रहा, हम तेरे पीछे आएंगे। अरे तुम लोग हमारे पीछे आके भी करोगे क्या, क्योंकि हमारे पास है मोस्टर कार, मोस्टर नहीं डोर रोस्टर कार, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही तेज, काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट होती है। लेकिन यहाँ पे ये क्या हुआ टिप्सन के साथ, टिप्सन तो टपक गया लेकिन वापस से ज़िंदा हो जाएगा, तो देखते जाओ हम इसे ज़िंदा कैसे करते हैं। ओ भाई, अभी तक नहीं हुआ, अब हो जाएगा। तो यहाँ पर टिप्सन भी ज़िंदा हो चुका है। ओ भाई, ये देखो टिप्सन का क्या आए, मतलब कि भाई टिप्सन हमारे रोड रोस्टर कार के अंदर कैसे घुस गया, ये तो चमत्कार होएगा। अरे छोटे, देख मेरे पास तो जादू भी है, तू सुन, देखो डायमंड मैं तुझे दूंगा, तू चिंता मत कर, बहुत सारा डायमंड, लेकिन उसके लिए तुझे मोस्टर वाले को मारना पड़ेगा जो कि मोस्टर गुंडा के पीछा था। अरे भाई, ये तो हमें भी पता है, तुझे बताने की जरूरत नहीं, तुझे तो हमने टपका दिया क्योंकि तूने हमारे साथ गद्दारी किया। कोई बात नहीं, डायमंड के लिए हम कुछ भी करेंगे, किसी को भी टपका देंगे। तो अब हम जाएंगे दूसरे वाले मिलिट्री बेस में, क्योंकि हमें वहीं पे मिलेगा। तो देखते जाओ क्या होता है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओ भाई, यहाँ पे हमारे सामने अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन एक आया, टपक गया, हमसे पंगा लेगा। नंगा होने में ज़रा टाइम नहीं लगाते किसी को। ओ भाई, ट्रक वाला सामने से था लेकिन बच गए। ओ भाई, ये पुलिस वाला भी पीछे पड़ ही गया। कोई बात नहीं, पुलिस वाले तो हमारे पीछे रहते ही रहते हैं। देखते जाओ हम यहाँ पे स्टंट कैसे करेंगे। ये गया पानी के अंदर, पानी के बाहर भी निकल जाएंगे काफ़ी जल्दी और हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो चलो निकलते हैं। वो नहीं, पानी के अंदर डूब के ख़त्म मत हो जाना, हमें काफ़ी जल्दी करना होगा। ओ भाई, ये कैटर टक गया, कोई बात नहीं, तैर के निकल जाएंगे, काफ़ी जल्दी निकलेंगे। तो देखते जाओ हम कैसे बाहर निकलते हैं। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे वाले मिलिट्री बेस के अंदर। तो यहाँ पे हम पानी से बाहर आ गए और यहाँ पे हमें कोई कार चाहिए, मतलब कि भाई आते ही यहाँ पे फरारी कार मिल गई, लेकिन यहाँ पे तो कल्लू कालिया बैठा है। अरे मेरा नाम है कल्लू कालिया, तुझे तो बहुत मानूंगा, मेरी कार वापस कर, नहीं छोड़ूंगा। अरे हाँ भाई, हमें मालूम है तेरा नाम है कल्लू कालिया, लेकिन कल्लू कालिया नाम होने से कुछ कर नहीं पाएगा, क्या तेरे नाम से हम डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं भाई, क्यों डरेंगे। ओ भाई, तो यहाँ पे आ चुके हैं दूसरे वाले मिलिट्री बेस में। अब हमें मिलेगा बहुत बड़ा मोस्टर है, जिससे कि हमारी फाइट होने वाली। ओ भाई, क्या स्टंट था। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम मोस्टर से फाइट करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।